स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रबार फ्रॉम माउंटेन्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके साथ हमेशा की तरह अतुल रावत। एक नया संडे, नया व्लॉग। आप जैसे देख रहे हैं पीछे मौसम एकदम सुहाना सा है। आज धूप चली गई है, अभी थोड़ी देर पहले तक थी हल्की फुल्की सी, और मेरी सुबह हो रही है आज करीब 9 बजे से। तो तब तक मेरे घर वालों के आधे काम हो जाते हैं जब तक मैं उठता हूँ। आज संडे है इसलिए मैं लेट उठाऊँ थोड़ा सा, पर चलो शुरुआत करते हैं। अभी मैंने हाथ मुँह भी नहीं धोया, नाश्ता भी नहीं किया। थोड़ी देर में हम नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है आज सारे दिन भर। तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए एंड तक। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यही था प्रणाम। क्या करनी हो? अब उठनी। यो यार ना कीड़ा पड़ा है ये पर, ये मुझे नहीं है कोर पर। हाँ ये मुर्गा कमरे कर दो फिर नॉल था नॉली। तो चलो नाश्ता रेडी है, नाश्ता कर लेते हैं एक बार, उसके बाद अपने सारे काम निपटाएंगे हम दिन भर के। घर वाले भी अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे, संडे एंजॉय करेंगे बढ़िया तरीके से। पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद सीधे बाइक की ओर चलेंगे। बाइक धोनी है सबसे पहले अपने। और ये लो जी बाइक आ चुकी है। आजकल रोड की हालत बड़ी ख़राब हो रखी है, क्योंकि जो वर्कर आए थे उन्होंने काम छोड़ दिया और वो चले गए, और ये पत्थर वत्थर जैसे भी थे वैसे ही रह गए, और ये नीचे बहुत गहरी खाई है यहाँ पे से। तो जब तक मैं बाइक धोता हूँ मैं चला रहा हूँ बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा EDM। आप भारी EDM एंजॉय कीजिए। और अभी मैं जा रहा हूँ गांव साइड को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, IT डिपार्टमेंट की तरफ से, या श्रम विभाग आप कह सकते हैं। हेलो शिवम, वहाँ से कुछ लोग आए हैं ई कार्ड बनवाने, ई श्रम कार्ड बनवाने, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पहुँच चुके हैं श्रम विभाग से, एक मैम आई है, एक सर आए हैं, तो काफ़ी सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशन उन्होंने सारे गांव वालों को दी और सबकी डिटेल्स ली। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर 6 होता है इसमें, और कुछ नहीं। कभी आपके गांव में भी आए तो आप वार्म वेलकम कीजिए उनका। ये हमारे दादाजी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। जो मतलब जो है वो है जो क्या नाम जो है APL और DPL के कार्ड का जो निर्धारित कोटा है वो कोटा बढ़ेगा नहीं क्या? वो ये कह रहे हैं कि भाई इतने ही जो है जनसंख्या के आधार पर इतने ही जो है 65% जनसंख्या आपके यहाँ जो है 10 बने हैं तो 10 ही बनेंगे पूरे गांव में। गांव का सिलसिला तो चलता रहेगा यूं ही। अब काफी बढ़िया तरीके से वैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, क्यों ये कार्ड्स बन रहे हैं। तो चलिए कुछ स्लो मोशन शॉर्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद पहाड़ी EDM एंजॉय। शाम के करीब 4 बज रहे हैं, थोड़ी देर तक रेस्ट किया, उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं। मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि यहाँ होने लग गई है अब काफ़ी ठंड, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। और ये पीछे पिछले सीज़न की कुछ भिंडियाँ थी मेरा इस सीज़न की, तो मेरी माँ इनके बीज निकाल रही है जो अगले सीज़न में काम आएंगे। और ये रहा हमारा डब्बू, ये भी चिल कर रहा है। गेहूं बोने का टाइम हो गया है, तो हल लग रहा है सामने वाले खेत में। इस खेत को कहते हैं गेयर। तो और बच्चे भी बगल पे एंजॉय कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते लेकिन बड़े मज़े करते हैं। ये ऐसा है, देखो ये आगे पत्थर है,
है ये वही तो घसेरी बनने में शर्म आ रही है भाई। टुन टुन क्या हो गया, बनाओ टीम वीम बनाओ भाई। अरे मार गए ऐसे बच्चे जिनकी टीम पूरी नहीं हो रही। ये हमको भी कह रहे थे कि भैया आप भी खेलो। तो बचपन में खूब खेलते थे हम ये सब गुट्ठा, और ये हमारा मेन ग्राउंड था एक तरफ से आप कह सकते हो। उस टाइम ये सीमेंटेड नहीं था, पत्थर हुआ करते थे। इसमें बच्चे खेल रहे हैं खो खो, और ये वाइड एंगल व्यू जब तक बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एक बढ़िया सा व्यू दिखाते हैं आपको पहाड़ों का। आज सुबह से मौसम ऐसा ही है, बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है, और ठंड तो पूछो ही मत। जब हवा चलती है तो ठंड बढ़ जाती है पहाड़ों में। दो तीन दिन लगातार बारिश हुई है यहाँ पिछले कुछ दिन। आपने अलर्ट सुना होगा, नदी का कलर देखिए अभी तक बिल्कुल गाढ़ा मटमैला कलर है, मिट्टी बह के आई होगी इसमें ऊपर से। रेड अलर्ट था, आने जाने पे सख्त प्रतिबंध लगा रखा था, मतलब ट्रैवल अलाउड नहीं था। इमरजेंसी जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जिस पर वो ट्रैवल कर सकते थे, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता रहता है। पहाड़ जितने सुंदर हैं खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। यहाँ जीना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए पलायन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। माइग्रेशन तो लगभग गांव के गांव, कितने गांव खाली हैं कोई अंदाज़ा ही नहीं है हमको। हमारे ही गांव आधे से ज़्यादा खाली है, कई मकान खाली हैं यहाँ पे। अब तो सड़क भी आ गई है, स्कूल आने जाने भी, मतलब स्कूल आना जाना भी कन्वीनियंट है। सामने नीचे पे गौचर भी दिखता है, गौचर भी यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और मेरे पापा भी आ गए हैं बकरियों के साथ से, और ये बाहर पे बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर ये बकरी के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनको हमारे यहाँ चिनखी कहते हैं, तो इनको थोड़ी देर ऐसे ही कूदने देंगे, इधर उधर दौड़ने भागने देंगे, तभी जाके ये खुलते हैं। फिर ये जंगल जाने के लिए कुछ टाइम बाद जब मैच्योर हो जाएंगे तैयार हो जाते। तो चलिए करते हैं आज के दिन की समाप्ति। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ, मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए रेबार फ्रॉम माउंटेंस, और सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच अगेन।